वालेकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। साने मस्तों के खुद कुछ हमलावर की शनाख्त कर ली गई। आईजी बलोचिस्तान की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। दाइश के दहशतगर्द का नाम नवाज, ताल्लुक एबटाबाद से था। सरबरा नेक्टा कहते हैं तमाम सियासी जमातों की क्यादत को खतरा है। बन्नू में अक्रम दुरानी के काफिले पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अक्रम दुरानी की गाड़ी गुजरने के चंद लम्हों बाद धमाका हुआ। दहशतगर्दी के वाकये में 4 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। इलेक्शन से पहले दहशतगर्द हमलों से खौफजदा होने वाले नहीं, तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं जमहूरी अमल जारी रहेगा। कौम शफाफ इलेक्शन के लिए पूरा अज़्म है। भारत कुलभूषण के पासपोर्ट पर जवाब नहीं दे सका। पाक फौज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, अमन अमान की बेहतरी के लिए मामनत कर रहे हैं। नुमाइंदा GHQ की सैनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। इजलास में सानिया मस्तोंग और पिशावर धमाके के शोहदा के लिए फातिहा खानी। दो जमातों ने पंजाब को जाती नजरिए के लिए इस्तेमाल किया। बिलावल के सियासी मुखालफीन पर वार, कहा अमाम गालम ग्लोच नहीं मसाइल का हल चाहती है। इत्तेहाद सिर्फ पीपल्स पार्टी के मंशूर पर साथ देने वालों से होगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को गैर इखलाकी जबान के इस्तेमाल से रोक दिया। गधा मामूली लफ्ज, उस्ताद भी शागिर्द को कह देते हैं। कप्तान के वकील के दलाइल, अयाज सादिक की वीडियो भी दिखाई, अभी और नोटिस भी निकालेंगे, रुकन ने इलेक्शन कमीशन का आंदिया। लाडला जो मांगे मिल जाता है। परवेज रशीद का कप्तान पर मर्जी के फैसले लिखने का इल्जाम। बोले नवाज शरीफ का केस बहुत जल्दी चलाया जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाना नवाज शरीफ का कसूर था। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ और मरियम से अहले खाना और लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। दोनों की जल्द अडियाला से सहाला मुंतकली का इम्कान। सरकारी रेस्ट हाउस में इंतजामात मुकम्मल। नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर की सजा के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अली अकबर कुरैशी के मुकदमे में लार्जर बैंक तश्कील देने की सिफारिश। दरख्वास्त चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को भिजवा दी। वक्त कम मुकाबला सख्त, सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम अरूज पर। कप्तान आज शहर जिंदा दिलान में रंग जमाएंगे। बिलावल भिटो फैसलाबाद, लाहौर और कसूर जाएंगे। नून लीग का अटक में पावर शो। बगैर इतला भी इंतजामिया उम्मीदवारों और रैलियों की सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। सियासतदानों और उम्मीदवारों की सिक्योरिटी के लिए नया लाहिया अमल तय पा गया। फैसला अहम इजलास में हुआ। इलेक्शन कमीशन, वजारतों और सिक्योरिटी हुकाम शरीक थे। इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाई, कई शहरों में गर्मा गर्मी। कराची में फायरिंग से खिलाड़ी जख्मी। PTI का PP पर इल्जाम। शाहदरा में 2 सियासी जमातों में तसादम, 4 जख्मी। हैदराबाद में MQM और PSP कारकुन आमने सामने। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ को खिलाड़ियों ने घेर लिया। इलेक्शन मुहिम से वापसी पर गाड़ी रोक ली, शदीद नारेबाजी। गुज़श्ता रोज मतवालों ने PTI के उम्मीदवार उस्मान डार पर जुमले कसे थे। आम इंतखाबात में धांधली की शिकायतें, बर वक्त निपटाने का मामला। वफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट 2017 की मंजूरी दे दी। इंतखाबी तनाज़ात सुनने वाले ट्रिब्यूनल में जजेस की तादाद सिर्फ 2 तक महदूद कर दी गई। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। अमीर मकाम की नैब में पेशी से माजरत, मोहलत तलब कर ली। इलेक्शन मुहिम के बाईस आना मुमकिन नहीं, 25 जुलाई के बाद बुलाया जाए। लीगी रहनुमा की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पर मुझे मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल करने के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद मुख्तलिफ थानों में मुझे जेरे हिरासत रखा गया। उसके बाद एक लेटर हमजा शहबाज का जो मंजरेआम पे आया, तमाम पाकिस्तान के अखबारात में छपा, उसमें उसने फवाद असल फवाद साहब को लिखा कि अबुल बॉक्सर के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। और एक फिक्रा आखिर में लिखा, प्लीज नोट इट दैट वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग द वर्ल्ड लीगल और इलीगल। आबिद बॉक्सर की शहबाज शरीफ और हमजा पर संगीन इल्जामात की बौछाड़, कहा खादिम आला जाली रिकॉर्ड बनाकर अराजी हथियार लेते। हमजा शहबाज के कहने पर मुझे नजर बंद किया, झूठे मुकदमात में फंसाकर कत्ल का मंसूबा भी बनाया गया। N149 से PTI के राय हसन नवाज ताहयात नाअहल करार। हम फैसले लिखकर थक जाते हैं, वकला पढ़ने की जहमत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आजाद उम्मीदवार शेख वकास अकरम को झंग से इलेक्शन लड़ने की इजाजत।
कराची पुलिस के ट्रैफिक एहलकार को सियासी रक्स महंगा पड़ गया। पीपल्स पार्टी की तराने पर झूमने वाला जियाले एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के रक्स की वीडियो वायरल हुई थी। दहशतगर्दी के इल्जाम में सजा याफ्ता 3 मुलजिम 7 साल बाद बरी। इंसाफ अंधा होता है, इलेक्शन अंधाधुंध नहीं होता। इस तगासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कराची के पार्क में झूला गिरने का केस। मकामी अदालत ने 4 मुलजिमों की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। झूला गिरने के वाकये में बच्ची जहां भाग और 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। बूंदों की जल तरंग बराई, इलाकों में मानसून के रंग। 1 घंटे की बारिश से लाहौर पानी पानी। नशेबी इलाके जेरे आब, घटाएं इतवार तक रंग जमाएंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। गजर में ग्लेशियर गिरने के बाद लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी। दरियाए अहमद का बहाव रुक गया। झील में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मकानात, दुकानें, मवेशी और फसलें जेरे आब। हजारों अफराद मुख्तलिफ मकामात पर महसूर। पिशावर रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की तहकीकात नैब करेगा। हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जिस फर्म को ठेका मिला वो दूसरे सूबों में ब्लैक लिस्ट है। अदालत के रिमार्क्स, नैब को 5 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjh-news.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।